काम है। लेना फटाफट करते चलो रेडी रोल आशीष सब आशीष रोल बंद कर रोल रोलिंग रोलिंग एंड एक्शन गाड़ी चला स्टार्ट कर आगे निकल एक्शन जाओ जाओ चल ठीक है प्रीवियस शॉट ओके सर जाओ गाड़ी बाहर निकालो कर रहा है और मैं खुद अभी देख कर आया हूं। यहाँ का क्या हाल है डेकोरेशन वगैरह मुझे पता नहीं मैं तो बस अपनी तैयारियों में लगी रही थी। टेंशन मत लीजिए मैं देख लेता रेडी रोल रोलिंग रोलिंग एक्शन जी भाभी सब कुछ हो चुका है केशव भाभी सब कुछ सुपरवाइज कर रहा है और मैं खुद ही देख कर आ रहा हूँ। यहाँ पे कैसे चल रहा है डेकोरेशन वगैरह सब हो गया है या कुछ बाकी पता नहीं मैं तो बस अपनी तैयारी में लगी हुई थी। लाइन मैसेज देता हो गया डेकोरेशन में सब हो गया डेकोरेशन सब हो गया कुछ और भी करना है ऐसा करना है मतलब ये और काम बाकी ये पूरा सेटअप हो गया पूरा हां डेकोरेशन तो हो गया है कुछ और बचा है क्या काम ऐसा करना है ठीक है रोल रोलिंग रोलिंग एक्शन जी भाभी सब कुछ हो चुका है और केशव भाभी सब कुछ सुपरवाइज कर रहा है और मैं खुद ही देख कर आ रहा हूँ। यहाँ का क्या हाल है डेकोरेशन वगैरह तो हो गया है कुछ और काम बाकी पता नहीं मैं तो बस अपनी तैयारी में लगी हुई थी। कोई बात नहीं मैं देख तो एंटर करूँ खुद भी जो पता एक बार देखिए हाँ देखिए देखा हाँ ये दोनों आए चल के यहाँ पे दिव्यानी को देखना ओके क्या अजय पंडे मैं यहाँ पे टेबल पे कुछ डब्बे रखूंगा आप रोलिंग एक्शन देख मम्मा पापा आ गए नोटिस किया वहाँ पर दरवाजे पे आ रहे हैं दोनों शायद दिव्यानी देखा खुश हो गए बेचारे नमोला की कैसी है मॉम आप मुझे लगा कि तुम लोग नहीं आओगे अरे कैसे नहीं आता हाँ मॉम विश्वमर अंकल ने खुद बुलाया था मुझे हाँ देखा यहाँ से गई वहाँ पे ज्वाइन की उस साइड नमन के पास ये राजबन्ना भी गए देवयानी जी राधे कृष्ण बाबू जी हाँ राधे कृष्ण कैसे हो बेटा करिश्मा ने मैं भाभी को कुछ पूछती हूँ कुछ हेल्प करने के लिए मैं भी देखता हूँ देखा गया आपके पास कुछ करने गया आए आपके पास भैया लाइए हाँ मैं करता हूँ देखा चुपचाप गया इधर निकल के चला गया देखा अक्षरा अक्षरा को लाएंगे इधर की क्या करेंगे इधर लुक ले लेना लाने इधर लुक लेना और जैसे बात करनी चाहिए ना नैतिक अब बहुत चेंज आ गया उनमें थॉटफुल क्या करूं बात करूं कि नहीं करूं क्या ओके ये बच्चे के आए थे ना मेहमान आपने ठीक से देखा ना? अब तो ठीक है। नीचे थर्मोल नीचे होल्ड होल्ड थर्मोल नीचे रेडी बने बने एक्शन अरे दांत अरे रोल सॉरी बहुत रोल एंड दोस्तों अंदर घुस जाना फटाफट पीछे अंदर घुसना आ जाइए आप आने से पीछे और पीछे अंदर आना रोलिंग रोलिंग एक्शन जा मेहमान आए थे ना अभी दिल्ली से वो रणवीर जी वो कहाँ गए आपने देखा जी वो अभी फोन पे बात करते थे बाहर आए और सीधे गाड़ी में बैठ के निकल गए गाड़ी में जी आपने ठीक से देखा ना जी बिल्कुल ठीक है निकल ओके गुड मैं रणवीर बोल रहा हूँ सर मैं यहाँ पे मुश्किल में फंस गया हूँ मेरे पास ऐसा था पुलिस आके मुझको अरेस्ट कर ली है चल चल हिला बस हो गया रोल होल्ड होल्ड गुड लुक्स जब राइट देखिए सबको राइट में लेफ्ट राइट ये आपकी जो पोजीशन है ना उसको ऐसा कर देंगे ऑर्डर ऑलमोस्ट इधर खड़ा करेंगे ऐसे सब इधर ज्यादातर राइट होंगे इधर से पूरा पूरा यहाँ पे लड़के वाले फैमिली आपने यहाँ पे नोटिस किया इसे कैमरे के लेफ्ट और यहाँ पे आपने नोटिस कर लेना अपनी इधर उधर हां ये लोग जस्ट आके इधर खड़े हैं यहाँ ऑलमोस्ट एक्चुअली पोजीशन है जैसे थोड़ा पीछे होने वाले रुकमणी ये इसका नाम मारेंगे रोलिंग यही रहना हां रोलिंग गुड्डू तो यही रहे हां एक्ट देखा हेलो गाइस रवि की फैमिली सबको देख रहे फैमिली वाले उसने इंट्रोड्यूस करवाया ये रणवीर की बड़ी बुआ है देख रही बुआ को एक औरत को अपने नीचे को देखा ये हमारी बेबी दीदी है दीदी सिर्फ तेरी हूँ बाकी सबके लिए मैं बेबी हूँ या फिर बेब्स रणवीर बोला कि आई एम सॉरी वो मैंने कल आप लोगों को बनाया बताया बिना आप निकल गया आई एम रियली सॉरी विशम्बर जी उस साइड से बोले अरे बेटा कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी हम लोग भी तो बस इसीलिए चिंता में थे कि कहीं कोई परेशानी की बात ना हो रुक्मणी और रिश्ता जुड़ा नहीं और माफ़ी मांगने शुरू हो गए सिलसिला यहाँ से सभी तो माफ़ी मांगना और माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है अरे हमें खुशी है कि हमारा रिश्ता आप लोगों से जुड़ा हुआ है देखा ये बेबी बोली कि सुनिए मुझे थोड़ा सा वॉक करते हुए थोड़ा मैं वहाँ से यहाँ चल कर आई तो थोड़ा सा वेट लॉस हो गया है मेरा और मेरी सारी थोड़ी सी धीरे धीरे ज़रा वॉशरूम दिखाएंगे तो टाइट करके आती हूँ देखा यहाँ से लेके गए उस साइड गई उधर आइए आइए कट टू नेक्स्ट सीन सब लोग बैठ गए यहाँ पे लोग बैठे होंगे मेहमान अब बाकी लोग सब खड़े अपने इधर सब खड़े अपने वाले के पापा ने बैठे बोले कि अनन्या के पापा विश्व में वो फ्लाइट ले बोलेंगे शायद आते होंगे किसी भी पल आ जाएंगे अनन्या के पापा ने बोला अरे कोई बात नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था बुआ बोले कि हाँ खुद अपनी शादी के वो लेट था ना इसीलिए से पूछ रहा होगा नक्श बोला कि सेट खड़ा होगा और रणवीर वहाँ बड़ों के बीच में क्या बैठे इधर आइए ना हमसे बात कीजिए ना बुलाया रणवीर उठा उठ के गया वहाँ से रणवीर भाई सच्चे से बताइए हमारी दीदी कैसे लगा हाँ देखा खींच रहा है उसके मजाक ले रहा है अरे तारा भी बोले बताइए ना प्लीज़ एक्सक्यूज मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल है मैं करके आता हूँ देखा निकल के आपके सामने से गया जैसे हम लोग देख रहे हैं फ्रीज हुआ डिफ्रीज डायमंड वाला हाँ रोल अभी ये लोग खड़े जो उसको सब बैठे ना बुआ इसे पूजा की थाली में रखवा देना हाँ सर इधर रुक्मणी ताई होगी बैठी हुई इधर खड़ी हो जाएगी यहाँ पे देखिएगा इधर हीरा दिया इसने इधर पे। कुछ बोलिए ना, कांग्रेचुलेशंस। इधर आए बच्चे, भाग के इधर आए। देखा मैंने इसे पूजा की थाली में खुआएगा। हाँ मिस्टी गई लोग। वाह, और ये है हमारी अनन्या दीदी के एंगेजमेंट की रिंग, कितनी सुंदर है ना, मुझे वैसी ही चाहिए। रुक्मिणी बोली यहाँ से, अरे मिस्टी नन्नू इधर आओ, मेरा भी इंटरव्यू तो लो, मैं भी तो स्टार हूँ। कल के नन्नू चल कैमरा उधर घुमा, मुँह बना के आए। अब बताइए आपको एंगेजमेंट रिंग कैसी लगी? अरे हीरा बड़ा है पर अंगूठी थोड़ी सी छोटी लग रही है, उसकी उंगली में आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं है। सब लोग देख रहे इसकी तरफ, क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? अरे यही अंगूठी है अनन्या की उंगली में आएगी नहीं? देखा आंटी इधर बैठी, हाँ हाँ आएगी ना, जो ने साइज दिया तो लेकर आया। लता जी खड़ी साइड, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल वही लग रही है। भाभी में अरे देखने में पता नहीं चलेगा, जब हाथ में पहना है जरूर जरूर आएगी। हाँ मोहित यहाँ पे खड़ा है लौंडे के साथ में। आप लोग माँ की बात का टेंशन मत लीजिए, उनकी आदत है ना बाद में तड़का लगाने के लिए। क्यों माँ? पिंकी वाली, ये रणवीर कहाँ गया? सभी वशवाई जी वो बाहर फ़ोन पे कुछ बात कर रहे हैं लगता है। ना ना आप टेंशन मत लीजिए, वो भागने वाला नहीं है। अब इस बार आप टेंशन थोड़ा सा बिल्डअप दीजिएगा, एक बार लास्ट टाइम भाग गया था ना, थोड़ा सा ले लीजिएगा सर आप। कोई हरकत नहीं दिया। रोल रोलिंग एक्शन। ये रणवीर कहाँ चला गया सभी? देखा वर्षा बोली, जी वो बाहर फ़ोन पर। सभी बोली, अरे ना ना आप टेंशन मत लीजिए, वो भागेगा नहीं। रेडी नेक्स्ट रोल रोल रोलिंग एक्शन। देखा रुक्मिणी बोली, तो मतलब मैं अभी सब बैठे बैठे लोग ना, उधर दो चार लोग खड़े होंगे। ठीक है रुक्मिणी बैठ के बोल, तो मतलब भाई साहब नौकरी करते हैं? जी नहीं, अपना बिजनेस है इनका। अरे नौकरी तो रणवीर करता है। रुक्मिणी, अच्छा लंदन में सुना बड़ा महंगा शहर है, वहाँ गुजारा होता है नौकरी में? देखो अरे क्यों, छोटी मोटी नौकरी नहीं है हमारे रणवीर के। आ रहे बीपी है सीपी है वहाँ पर, बीपी वो पढ़ा लिखा है, वहाँ बस गया है, घर वहाँ पर है, लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, बिजनेस है, बढ़िया ऑफिस है। अरे किसी चीज़ की कंपनी वाली कमी नहीं है वहाँ पर। वो क्या कहते हैं उसे, कैंपस। हाँ प्लेसमेंट, हाँ हाँ वही वही वही। सब लोग देख रहे हैं, अच्छा हाँ 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 एक दो बात ये। देखा आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। बोल सर। देखा वहाँ से ओमी चाचा बोले, हमारे नाती चिकू के होने वाले दादाजी हैं, दादाजी को दिखा रहे हैं। अनन्या के बाद ना कल उसकी सगाई है। देखा यहाँ पे बेबी बोले कि दादाजी आपको देख कर तो लगता नहीं कि आप इतने बड़े पोते पोते वाले हैं, अब तो मजाक ले रहे हैं। अच्छा वर्षा सुनना ज़रा, और शगुन ने कुछ पूछना था उससे, एक मिनट तू आ। ये वर्षा यहाँ पे होगी, अक्षरा ने वहाँ से बुलाने आई है। अच्छा क्योंकि कमरे में। आज के सीन के बारे में बताइए। जैसे कि आप सबको पता है कि रणवीर जो है मुझे देखने आए थे और बिना किसी को कुछ बताए चले गए। सो उन्हें बस मुझसे कुछ बात करनी थी, तो आज उन्होंने मुझसे कहा है कि सगाई होने से पहले कुछ बातें हम क्लियर करते हैं। सो बस यही बताने, उन्हें कुछ बोलना है मुझसे, तो बस वही बात करने के लिए हम दोनों आज निकल पड़े हैं। लेट्स सी अब वो मुझे क्या बताते हैं। इवन आई एम ईगरली वेटिंग टू नो कि उन्हें मुझसे इतनी क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है कि उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं सगाई होने से पहले ही बात करनी है। सो आज का सीन उसी के बारे में है। आप उनके साथ बात करने जाने वाले, इसलिए घर वालों का क्या रिएक्शन होगा पता नहीं। फ़िलहाल तो मैं किसी को बिना बताए, मतलब मुझे तो लगा था बस मिलकर जाऊँगी, बट सडनली उन्होंने कहा कि ड्राइव पर जाकर बात करेंगे, नॉट घर के पास। सो पता नहीं घर वाले अब कैसे रिएक्ट करेंगे कि सगाई होने से पहले ही मैं बिना किसी को बताए गई हूँ। मम्मा ऑब्वियसली थोड़ी सी नाराज़ हो जाएंगी, बट इट्स ओके। घर वाले आपकी शादी के लिए बहुत खुश हैं, क्या कहना है आपका? ऑफकोर्स मतलब घर वाले खुश है इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रही। आई डोंट थिंक आई एम वेरी मच रेडी फॉर दिस, बट अगर घर वालों की खुशी मेरी शादी में है, अगर इस रिश्ते में है, तो डेफिनेटली मेरी भी खुशी कहीं ना कहीं उन्हीं की खुशी में है। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहिए? ऑडियंस के लिए यही कहूँगी कि हमारा शो जिस तरह से आप देखते आ रहे हैं, आप उसी तरह से अच्छा फीडबैक देते रहिए और आपके बेस्ट विशेस हमारे साथ रहिए। और जो सारी लड़कियां कहीं ना कहीं अनन्या के जगह खुद को देखती हैं। एक्शन। अरे भाई साहब हमारे बच्चे क्वालिफाई हो गए।